हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में। फ्रेंड, आज हम दो कलर का स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आए हैं। देखिए, ये सफ़ेद और ये नारंगी है। ये दोनों बहुत ही प्यारा कलर है और डिज़ाइन भी बहुत ही इजी हम बताएंगे। तो इसके लिए देखिए दो कलर लिए हैं। आप अपने बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा और कलर अपने पसंद से रखिएगा। मेरे पास तो ये दो कलर है, हम इसी में बना रहे हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम इसके लिए यहाँ पर देखिए, हम दो तीन सलाई इसमें हम बॉर्डर बना चुके हैं और ये डिज़ाइन जो है बैक साइड से नहीं है बना रहे हैं, ये राइट है, राइट साइड में नहीं बना रहे हैं, ये बैक साइड से बना रहे हैं डिज़ाइन। बनेगा इसको राइट साइड से नहीं बनाइएगा दोस्तों, ये डिज़ाइन ये बैक साइड से बनाने में बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी बनाइएगा तो आप इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो बैक साइड से देखिए हम उल्टा बनाएंगे और दूसरा कलर जो लगाए हैं उसी से बुनेंगे हम। एक, दो, तीन और एक को हम स्लिप करेंगे। फिर हम बनाएंगे एक, दो, तीन और एक को हम स्लिप करेंगे। फिर बनाएंगे एक, दो, तीन और एक को स्लिप करेंगे। ये लास्ट में दो फंदा है तो दोनों को हम फिर दो बना लेंगे, बुन लेंगे दोनों को। आप देखिए, अब हम राइट साइड में आ गए हैं। तो राइट साइड से अब बनाना है तो देखिए ये राइट साइड से कैसे बनेगा। तो ये फंदा जो है, ये फंदा को हम आगे करेंगे। ये फंदा हम आगे किए, आगे अब इसको उल्टा बनाना है। राइट साइड में देखिए राइट साइड है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। ये दो बना लिए उल्टा, फिर हम फंदा पीछे करेंगे, जो स्लिप किए हैं उसको हम स्लिप करेंगे, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, फिर बनाएंगे एक, दो, तीन, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे ऐसे, फिर जो स्लिप किए हैं उसको स्लिप करेंगे, फिर फंदा को हम आगे करेंगे और फिर ये तीनों को हम उल्टा बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे और फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे हम और यहाँ से बनाएंगे एक, दो, तीन। तो देखिए राइट साइड से हम बनाए हैं, ये सीधा है। अब उल्टा फंदा देखिए, उल्टा साइड से अब हम लेंगे सफ़ेद वाला। सफ़ेद से हम बनाएंगे ये तीन जो है, ये तीन को हम इस फंदा को पीछे करेंगे और फर्स्ट वाले जो है इसको हम सीधा बुनेंगे पीछे से। देखिए बैक साइड है, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदा को हम आगे करेंगे और ये जो बीच वाला है तीन का, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। इसको जब हम उल्टा बनाएंगे तो देखिए ये राइट साइड से जो है, ये जो तीन के बीच वाला है ये सीधा बनेगा, ये सीधा है और ये जो है ये, इसको फिर फंदा पीछे करेंगे, फिर हम इसको उल्टा बनाएंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, ये जो स्लिप किए थे उसको हम उल्टा बनाएंगे बैक साइड से, फिर फंदा पीछे करेंगे, फिर हम एक सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा जो है, हम बॉर्डर जिसे बनाते हैं उसी तरह से इसको हम बनाएंगे, फिर फंदा आगे करेंगे,
फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर फंदा पीछे करेंगे, फिर हम एक सीधा बनाएंगे, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, फिर हम एक उल्टा बनाएंगे, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे, फिर हम एक सीधा बनाएंगे, फिर फंदा को हम आगे करेंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर फंदा पीछे करेंगे, फिर एक तो सीधा बनाएंगे, फिर फंदा आगे करेंगे। ये पूरा बॉर्डर के एक उल्टा सीधा जो बनता है ना, उसी तरह आप बनाइएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि तीन जो है, ये तीन के बीच वाला जो है सीधा होना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। अब हम एक तीसरा सिलाई है, तीसरा तीन सिलाई बन चुका है, अब चौथा सिलाई है। चौथा सिलाई को हम पूरे सिलाई हम सीधा बना लेंगे, इसको हम पूरे सिलाई सीधा बना लेंगे, सीधा ये राइट साइड से है, इसको हम पूरा सिलाई सीधा बनाएंगे। ये सीधा बन गया। अब हम बैक साइड से फिर इसी कलर से इसको हम उल्टा बनाएंगे, इस सिलाई ये चार सिलाई बन जाता है समझिए। उसके बाद हम फिर डिजाइन शुरू करेंगे। चार सिलाई पर बनाइएगा तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा, एकदम रेडीमेड जैसा लगेगा ये डिजाइन। और दो सिलाई पर बनाने पर थोड़ा वो अलग होता है, चार सिलाई पर बनाइएगा तो अलग होगा ये डिजाइन, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, ये सूफियाना डिजाइन लगेगा एकदम। तो देखिए राइट साइड से है, राइट साइड से इसको पूरा सिलाई सीधा बनाएंगे। ये डिजाइन जब भी शुरू कीजिएगा तो बैक साइड से शुरू कीजिएगा, राइट साइड से शुरू कीजिएगा तो आपका ये डिजाइन नहीं बैठेगा। देखिए चार सिलाई हो गया है। अब देखिए अब चाहे तो आप इसके ऊपर डिजाइन डालें या बीच में डाले, तो हम बीच में नहीं डाल पाए, नहीं डाले हैं, और हम इसी के ऊपर फिर हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए जो हम फर्स्ट बार में बनाए हैं सेम वही हम एक दो तीन, तीन हो गया, एक स्लिप करेंगे। देखिए ये वाला स्लिप किए हैं, बीच वाला जो स्लिप किए थे उसी को हम स्लिप करेंगे, फिर बनाएंगे एक दो तीन, और जो स्लिप किए थे वही हम स्लिप करेंगे। ऐसे आपका डिजाइन बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। तीन तीन बन गया है, फिर एक को स्लिप करेंगे, लास्ट में जो दो बचेगा दोनों को हम बुन लेंगे। तो इसी तरह बनाइएगा दोस्तों, इसी डिजाइन को रिपीट कीजिएगा ऊपर, तो बनने के बाद आपका डिजाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। देखिए ये डिजाइन बनकर ये चार सिलाई पर बनाइएगा तो देखिए डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। ये डिजाइन आपको पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।